आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी का नवरात्र मेला श्रद्धालुओं के आने से गुलजार हो गया है। मां चिंतपूर्णी के दर्शन करने के लिए हिमाचल के साथ साथ बाहरी राज्यों के श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर न्यास की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मां चिंतपूर्णी का दरबार जहां विदेशी फूलों से सजाया गया है, वहीं चिंतपूर्णी क्षेत्र मां के जयकारों से गूंज रहा है। मंदिर के पुजारी महेश कालिया के अनुसार नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रात करीब 12:15 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे। श्रद्धालुओं को दर्शन पर्ची न्यू बस स्टैंड के पास मंदिर न्यास के भवन में ही दी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या ना हो। जय माता दी। माता के दरबार में आए सभी भक्तों को हमारी तरफ से पुजारी वर्ग तरफ से जय माता दी। आज के दिन पहला नवरात्र है जो माता जी का चिंतपूर्णी में, उसके दिन हजारों की संख्या में यहाँ चिंतपूर्णी में माता के श्रद्धालुओं ने माता चिंतपूर्णी के दर्शन किए और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रात को 12:15 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे, जिसकी वजह से किसी भी कोई श्रद्धालु को परेशानी ना हो। दर्शन पर्ची लेके कई श्रद्धालु अपने दर्शन करके सुबह 12:15 से दर्शन करने शुरू हुए और अभी तक कई श्रद्धालुओं ने माथा टेक के माता जी के पहले नवरात्र को पावन पिंडी के दर्शन करके अपने मनोकामना पूरी की। पंजाब से मां चिंतपूर्णी के दर्शन करने आए शुभम गर्ग ने बताया कि वे हर साल यहां पर आते हैं और यहां अन्य लोगों के सहयोग से लंगर भी लगाया जाता है। उन्होंने सभी लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। इंदौरा कांगड़ा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।